आरोग्य जागृति होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सौजन्य से महाराष्ट्र में औरंगाबाद में 14 और 15 मई को 22वीं ऑल इंडिया होम्योपैथिक सेमिनार का आयोजन हमारे स्टेट ब्रांच ऑफ HMAI एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्राइड होम्योपैथिक कॉलेज महाराष्ट्र एंड सोनाजीराव शिवसागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बीड के संयुक्त विद्यमान से ये प्रोग्राम होने जा रहा है 2 दिन का, और उसकी थीम है कॉन्करिंग चैलेंजेस होम्योपैथिक वे। ये प्रोग्राम रुक्मिणी ऑडिटोरियम MGM कॉम्प्लेक्स औरंगाबाद यह होने जा रही है, और ये 2 दिन के कार्यक्रम में देश भर के 30 स्पीकर्स रिसोर्स पर्सन वो अपना अनुभव यहाँ प्रदर्शित करने जा रहे हैं। इस सेमिनार के लिए अभी तक 1700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया है, और मैं इस माध्यम से आप सबको विनती करता हूँ कि इस सेमिनार के बारे में लोगों को जानकारी होने के लिए आपके माध्यम से ज़्यादा प्रसिद्धि देने की कृपा करें। सर, ये उद्घाटन किसके हाथ होगा, समापन? देश के आयुष मंत्री माननीय सर्वानंद सोनोवाल, जो केंद्रीय आयुष मंत्री है, उनके हाथों से इसका उद्घाटन होगा। इस कार्यक्रम में यहाँ के महाराष्ट्र राज्य के वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री अमित भैया देशमुख, MEHS के वाइस चांसलर डॉक्टर कानिटकर मैडम, और यहाँ के मंत्री श्री भागवत जी कराड़, ये इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसका समारोह हमारे भारती पवार, जो केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर है, उनके हाथों से होगा। उनके साथ श्रीपाद नाइक के साथ में रहेंगे, और महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब उनके साथ समारोह के कार्यक्रम में होंगे। इस कार्यक्रम में कम से कम 1700 से 2000 तक लोग इसका कार्यक्रम में सहभागी होने वाले हैं। थैंक यू। आरोग्य जागृति।